हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम क्लाउड कंप्यूटिंग सीरीज में क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल, ये जिसको हम टाइप ऑफ क्लाउड भी बोलते हैं, डिटेल में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने पब्लिक क्लाउड को प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आज हम प्राइवेट क्लाउड के बारे में पढ़ेंगे। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ क्लाउड अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट वन इज पब्लिक क्लाउड, देन द सेकेंड टाइप ऑफ क्लाउड इज प्राइवेट क्लाउड, Then we have third type of cloud is hybrid cloud, और जो fourth type का cloud available है वो होता है community cloud। चलिए detail में discuss करते हैं इस private cloud के बारे में। Private cloud is also known as internal cloud or corporate cloud। Private cloud का use organizations करती हैं to build and manage their own data center internally or by third party। डिप्लॉयमेंट ओपन स्टैक और यूकलिप्टस जैसे ओपन सोर्स टूल्स के थ्रू किया जाता है। प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल जस्ट ऑपोजिट होता है पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल के। प्राइवेट क्लाउड वन ऑन वन एनवायरमेंट पर बेस्ड होता है, मतलब हमें यहाँ हार्डवेयर को किसी और के साथ शेयर नहीं करना पड़ता। अगर हम कुछ प्राइवेट क्लाउड के एग्जाम्पल्स देखें तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं VMware Sphere, OpenStack, Microsoft Azure Stack, Oracle Cloud at Customer and IBM Cloud। National Institute of Standard and Technology ने लोकेशन एंड मैनेजमेंट के बेसिस पर प्राइवेट क्लाउड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज ऑन प्रिमाइस प्राइवेट क्लाउड एंड सेकेंड है आउटसोर्स प्राइवेट क्लाउड। चलिए देखते हैं ये ऑन प्रिमाइस प्राइवेट क्लाउड क्या होता है। ऑन प्रिमाइस प्राइवेट क्लाउड ऑर्गेनाइजेशन के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में ही सिचुएटेड होता है। इट इन्वॉल्व सेटिंग अप एंड रनिंग अ स्पेसिफिक डेटा सेंटर, जो क्लाउड सर्विसेज को केवल कंपनी के इंटरनल यूजेज के लिए ही प्रोवाइड करती है। कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के हैंड में रहता है, which gives them freedom to modify and set it up in any way they see it fit। Organizations security related issues को भी easily manage कर पाती हैं with this degree of control। On-premise private cloud को set up and manage करने के लिए significant hardware, software and IT knowledge की जरूरत पड़ती है। Second one is outsourced private cloud। Outsourced private cloud involves partnership with third party service provider। यहाँ organization के behalf में third party service provider cloud infrastructure को host और manage करते हैं। Provider अपने data center में cloud को operate करता है या कोई co-location facility होती है जहाँ से operate किए जाते हैं। यहाँ benefit ये होता है कि जो infrastructure management का burden है वो organization पर नहीं होता, ये काम cloud provider के expertise करते हैं on the behalf of organization। Outsourced private cloud scalability offer करते हैं क्योंकि इसमें provider need के according resources को adjust कर सकता है। ये businesses के लिए better option हो सकता है in comparison to on-premise implementation, since यहाँ initial capital cost कम invest करनी पड़ती है। Due to flexibility, need के according services को scale किया जा सकता है and ongoing maintenance expense भी कम हो जाता है। Since provider ये सब अपने end पर करता है। चलिए अगर हम कुछ advantages देखें private cloud के, तो first is private cloud user को high level of security and privacy provide करता है। यहाँ ऑन डिमांड आईटी रिसोर्सेज को टीम क्विकली एलोकेट एंड डिलीवर करती है। क्योंकि क्लाउड ऑर्गेनाइजेशन ही मैनेज करती है तो ऑर्गेनाइजेशन का फुल कंट्रोल रहता है क्लाउड पर। इससे बेनिफिट ये होता है कि किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। ये उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है जिन ऑर्गेनाइजेशन को अपने पर्सनल यूज के लिए इनको यूज करना होता है, या जहां डेटा की प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, बिकॉज यहां ऑर्गेनाइजेशन को सेपरेट प्राइवेट क्लाउड दिया जाता है फॉर आईटी रिसोर्सेज। इनको स्पेसिफिक बिजनेस नीड एंड कंप्लायंस रेगुलेशन के लिए कस्टमाइज किया जा सकता है। पब्लिक क्लाउड एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में ये ज्यादा रिलायबल होते हैं।
प्राइवेट क्लाउड में रिसोर्सेज के एलोकेशन एंड एप्लीकेशन के डिप्लॉयमेंट में इनहेंस फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। चलिए डिस्कस करते हैं प्राइवेट क्लाउड के कुछ डिसएडवांटेजेस को। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज है, क्लाउड सर्विसेज को मैनेज एंड ऑपरेट करने के लिए स्किल्ड पीपल की रिक्वायरमेंट होती है। प्राइवेट क्लाउड का एरिया ऑफ ऑपरेशन लिमिटेड होता है बिकॉज दे आर एक्सेसिबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ओनली। प्राइवेट क्लाउड उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है जहां ऑर्गेनाइजेशन के पास प्री बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है और इनसफिशियंट मैन पावर होती है टू मेंटेन एंड मैनेज द क्लाउड। इसमें अपफ्रंट कॉस्ट एंड ऑनगोइंग मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होती है। रिसोर्सेज की स्केलिंग थोड़ी चैलेंजिंग होती है इन कंपैरिजन टू पब्लिक और हाइब्रिड क्लाउड। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अपग्रेड रखना एंड कंपैटिबिलिटी मैच करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑर्गेनाइजेशन की ही हो जाती है। टेक्नोलॉजी आउटडेट होने का रिस्क रहता है, प्लस इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को रेगुलरली अपडेट रखना पड़ता है। ये कॉस्टली होते हैं बिकॉज दे प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड फैसिलिटी। तो आज हमने देखा प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, हमने डिफरेंट टाइप्स के प्राइवेट क्लाउड को डिस्कस किया और हमने इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हाइब्रिड क्लाउड को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं।